करवा चौथ त्योहार के चलते कपकोट तथा भराड़ी के बाजारों में काफी रौनक देखी। बाजार आई महिलाओं ने जमकर खरीदारी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पेश है कपकोट से तनु तिरुवा की रिपोर्ट। करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए कपकोट व भराड़ी बाजार में भी काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। कोरोना महामारी के बीच हो रहे करवा चौथ त्योहार को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। करवा चौथ त्योहार के कारण ही सही बाजारों में काफी रौनक देखी गई। दुकानदारों ने बताया कि काफी लंबे समय से बाजारों में सन्नाटा पसरा था तथा ग्राहक भी बाजार की तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन करवा चौथ के त्योहार के चलते बाजारों में रौनक लौटी है। सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है और साफ सफाई पे ध्यान रखा जा रहा है, उचित दूरी का पालन किया जा रहा है। और सर लॉकडाउन में कितना असर पड़ा अभी व्यापार में? लॉकडाउन में 40% असर तो पड़ा है साहब, अब तो थोड़ा उभर रहा है इस चीज़ को, और बाकी तो सब ठीक ही है। कस्टमर के लिए क्या क्या फैसिलिटी करके हमने सैनिटाइज कितना कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस कितना ध्यान रख रहे हैं? सैनिटाइज तो यहाँ पर कंटिन्यू चालू है जब से लॉकडाउन लगा है हम लोगों का, और कस्टमर भी वैसे केयरफुली आ रहे हैं। और अभी लॉकडाउन में कितना असर पड़ रहा है अभी व्यापार में? लॉकडाउन में काफ़ी असर है, क्योंकि पहले की तरह उतना रौनक नहीं है सर मार्केट में। क्या कर रहे हैं कस्टमरों के लिए? हम सैनिटाइजर मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, पिछले महीने के अनुसार मतलब वो कर रहे हैं। कितना असर पड़ा व्यापार में लॉकडाउन से? असर तो पड़ रहा है, आज ही मतलब कलर आज ही दिख रहे हैं बाजार में लोग करवा चौथ की वजह से।